हेलो गाइस वेलकम बैक टू एड्यू प्लान दिस इज मी मई मुस्काना और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पीको शो तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है आपको इस केट को यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि केट की तो हमें नीड ही नहीं है और आपको मेकअस टाइट पर जाकर चूजर टाइप पर जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पीको टाइप करना है मैंने यहाँ पर पीको टाइप कर लिया और ये जो पीको है ये मैंने यहाँ पर ले लिया ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे इवेंट पे जाना है और यहां से लेना है वेन फ्लेक्लिक फिर माई ब्लॉग्स में जाकर मेक अ ब्लॉग एंड यहां पर हम एक ब्लॉग बना लेंगे आप किसी भी नेम से ब्लॉग बना सकते हो यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ इंट्रो के नेम से इसको मैंने ओके कर लिया और मेरा ये ब्लॉग आ गया इंट्रो और ये जो इंट्रो है इसको मैंने बेन फ्लेक्ट क्लिक के नीचे लगा दिया अब आपको एक और ब्लॉग बनाना है वो भी आप किसी भी नेम से बना सकते हैं यहाँ पे मैं ले रही हूं डांस पार्टी ठीक है इसको मैंने ओके कर लिया और ओके करने के बाद मेरा एक और ब्लॉक बन गया यहाँ पर उसको तो भी मैंने लगा दिया वेन फ्लेक्ट क्लिक के नीचे ठीक है अब ये जो इंट्रो है डिफाइन इंट्रो इसके नीचे मुझे इंस्ट्रक्शन देने हैं क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं सबसे पहले आपको लुक्स पर जाना है और यहां से ले लेना है स्विच कॉस्ट्यूम टू ये वाला ऑप्शन आपको ले लेना है और यहाँ पे हम पीको बी ले लेते हैं देखिए मैं आपको पीको के कॉस्ट्यूम सिखा देती हूं फर्स्ट कॉस्ट्यूम हमारा ये है सेकंड ये ठीक है तो मैंने अभी ये वाला कॉस्ट्यूम लिया है पीको बी तो स्विच कॉस्ट्यूम टू पीको बी उसके बाद क्या हो मोशन पे जाकर आपको गो टू एक्स वाला ऑप्शन लेना है और एक्स की पोजिशन हम यहां पर डाल देते हैं जीरो और वाई की पोजिशन कितनी डाल देती हूँ यहाँ पे मैं ले लेती हूँ माइनस के थ्री हंड्रेड ठीक है आप देखिए जब फ्लैग को क्लिक करूंगी तो मेरा ये जो पीको था ये कहाँ चला गया नीचे चला गया ठीक है और गो टू एक्स का मतलब है ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा मिड में जाके ये, ये वाई की पोजिशन माइनस थ्री हंड्रेड यानी कि नीचे चला जाएगा फिर आपको क्या करना है फिर आपको लेना है मैं चाहती हूँ कि ये सीधा रहे तो मुझे ले लेना है पॉइंट इन डायरेक्शन नाइनटीन क्योंकि कि किसी भी स्प्राइट को जब हमें सीधा रखना होता है तो उसके लिए हम लेते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन नाइन ठीक है अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो साइज है वो बढ़ जाए तो हम इसके साइज को सेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और आपको लुक्स में जाके ऑप्शन मिल जाएगा सेट साइज टू और यहाँ पे हंड्रेड की जगह मैं ले लेती हूँ टू हंड्रेड यानी कि इसका जो साइज है वो कितना हो जाए इसका साइज हो जाए टू हंड्रेड और फिर क्या हो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो पीको है ये करता करता हुआ कहां पे ग्लिड करता हुआ आए। आए? पे तो इसके लिए मैंने ले लिया वन वन जीरो ले ले एक्स जीरो और वाई भी मुझे यहाँ पर ले लेना है जीरो अब गाइस मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ देखिए मैंने फ्लैग पे क्लिक किया और मेरा ये जो पीको था वो कहां पर आ गया वो ग्लिड कर कर आ गया x0 जीरो की पोजिशन पर ठीक है अब मैं क्या चाहती हूँ मुझे इससे कुछ बुलवाना भी है क्या बुलवाना है तो मैं लुक्स में जाकर से हेलो वाला ऑप्शन ले लेती हूँ और यहां पर मैं लिख देती हूँ हाय एवरीवन ठीक है आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं मैं लिख देती हूँ हाय एवरी वन एक सेकेंड मैं कैप्स लॉक ऑन कर लू इसका यस ठीक है अभी बोलेगा हाई एवरी वन उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आप इसको कहीं भी पोजीशन पे रख सकते हैं अभी मैं इसकी जो पोजीशन ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ गो टू तो एक्स की पोजीशन मैं ले लेती हूँ वन सिक्सटी नाइन और वाई की जो पोजीशन है वो मैं ले, ले लेती हूँ टू वन वन ठीक है उसके बाद क्या हो उसके बाद ये उल्टा हो जाए तो इसको उल्टा करने के लिए मैं ले लेती हूँ पॉइंट इन डायरेक्शन और यहां पर मैं ले लूंगी माइनस नाइन्टी क्योंकि अगर हम 90 रखेंगे तो ये सीधा होगा और फिर अगर आप रखोगे माइनस नाइन्टी तो ये क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा देखिए देखिए अब इसकी पोजिशन ये हो गई और ये क्या हो गया अब ये हो गया हमारा उल्टा हो गया अब मुझे क्या करना है अब मुझे इसे और इंस्ट्रक्शन देनी अब मैं चाहती हूँ इसका जो साइज है ना वो छोटा हो जाए तो लुक्स में जाके सेट साइज का ऑप्शन ले लेते हैं हम कितना भी आप इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पे मैं इसका साइज रख रही हूं 50% ठीक है इसका साइज कितना हो जाए 50% हो जाए और फिर से ये ग्लिड करता हुआ जाए तो मैं ले लेती हूं ग्लिड कितने सेकंड तक ग्लिड करें 0.5 सेकंड तक 0.5 सेकंड तक ये ग्लिड करता हुआ जाए और x की पोजीशन 169 और y की यहां पे हम चेंज कर देते हैं 125 की पोजीशन में ये चला जाए ठीक है और फिर से ये बोले वेलकम टू तो लुक्स में जाके से का ऑप्शन ले लेते हैं और हम यहां पर हेलो की जगह लिख देते हैं वेलकम ठीक है यहां पर मैंने लिख दिया वेलकम टू उसके बाद आपको क्या करना है फिर से मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है गो टू एक्स जीरो, वाई जीरो तो यहां पर हम एक्स की पोजीशन रख देते हैं जीरो और वाई की जो पोजीशन है रख देते हैं हम जीरो गो टू एक्स जीरो वाई जीरो का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है उसके मिड में आ जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको फिर से मोशन में चले जाना है और वहां से आपको ले लेना है पॉइंट इन डायरेक्शन नाइनटीन ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको इसके साइज को फिर से इंक्रीज कर देना है लुक्स में हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेट साइज टू हंड्रेड और हंड्रेड की जगह हम ले लेंगे फोर हंड्रेड ठीक है ताकि इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए और उसके बाद आप साउंड में चले जाइए और आप कोई भी साउंड चूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यहाँ पर एक कॉबेल का साउंड है स्मॉल काउल ठीक है ये बहुत अच्छा है तो मैंने यही साउंड यहाँ पर ले लिया अब मुझे क्या करना है मैं ले लूंगी प्ले साउंड साउंड पे जाकर प्ले साउंड दिस वन ठीक है और फिर से हम लुक्स पे चले जाते हैं और फिर ये बोलेगा द पिको शो यहाँ पे हेलो की जगह हम लिख देते हैं द पिको शो ठीक है गाइस इतना हो गया इतना होने के बाद आपको क्या करना है जो हमने एक और वेरिएबल लिया था यहाँ पर एक और जो हमने ब्लॉक बनाया था डांस पार्टी का अब हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं सबसे पहले आपको लुक्स पे जाना है और इसके कॉस्ट्यूम को चेंज कर देना है कौन सा कॉस्ट्यूम आ जाए पिको बी का कॉस्ट्यूम आ जाए तो हमने ले लिया पिको बी फिर उसके बाद आपको क्या करना है आपको मोशन पर जाना है और गो टू एक्स वाली पोजिशन यहाँ पर ले लेनी है और यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स की पोजिशन तो जाए माइनस की हंड्रेड और वाई की जो पोजीशन है वो जाए जीरो उसके बाद इसका साइज चेंज हो जाए तो सेट साइज टू ये वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं एक मिनट सेट साइज लेना है लुक्स में आपको मिलेगा सेट साइज दिस वन और इसका जो साइज है वो फिर हो जाए टू हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट ले लिया मैंने और उसके बाद साउंड हो कौन सी साउंड आए तो फिर से हम एक और साउंड चूज कर लेते हैं साउंड पर जाकर चूज अ साउंड और चूज अ साउंड पर जाकर आप कोई भी ले सकते हैं मैं यहां पर कोई भी डांस की साउंड ले लेती हूँ ठीक है ये देख लेते हैं ठीक है तो मैंने ये ले लिया डांस अराउंड अब ये जो प्ले साउंड है ये वाला ऑप्शन आपको ठीक है अगर हम ये करेंगे प्ले साउंड का तो ये बचता रहेगा तो हम प्ले की जगह स्टार्ट भी ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया स्टार्ट साउंड डांस अराउंड अगर हम प्ले साउंड लेंगे तो ये जब तक बचेगा और आगे के इंस्ट्रक्शन हमारे वर्क नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट साउंड का ले लिया अब मुझे क्या करना है अब मुझे चले जाना है कंट्रोल पर और यहाँ से रिपीट का ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पे आप इसको कितना भी टाइम रिपीट करा सकते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूँ रिपीट सिक्सटीन और फिर मुझे क्या करना है मैं चाहती हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए तो हम चेंज कलर का ऑप्शन ले सकते हैं और अब हमने ये चेंज कलर का ऑप्शन में डाल दिया ठीक है उसके बाद क्या हो उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम जो है वो फिर से स्विच हो जाए तो हम ले लेते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू और पीको डी की जगह हम ले लेते हैं पीको सी ताकि इसका जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो जाए फिर क्या हो अब हमें वाई की पोजीशन चेंज करनी है तो हमें लेना पड़ेगा चेंज वाई तो हमने ये ले लिया चेंज वाई बाय टेन इसके बाद वेट करा देते हैं इसको थोड़ा सा वेट के लिए हमने ले लिया 0.2 पॉइंट टू सेकेंड ठीक है अब देखिए अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूं देखिए गाइस इतना हो गया वेट करने के बाद क्या हो जब y की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए फिर ये वेट करे और उसके बाद क्या हो फिर से चेंज कलर आ जाए तो लुक्स में जाकर हम ले लेते हैं चेंज कलर ये रहा चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 और ये लेने के बाद फिर से इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए तो स्विच कॉस्ट्यूम टू दिस वन ये आपको लेना है और ये कौन सा कॉस्ट्यूम आए स्विच कॉस्ट्यूम टू पिको बी बी वाला इसमें कॉस्ट्यूम आ जाए और चेंज वाई बाय माइनस टेन फिर वाई की पोजीशन जो है माइनस टेन हो जाए तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर चेंज वाई बाय और यहाँ पर टेन की जगह हम कर देते हैं माइनस की टेन माइनस की टेन लेने के बाद फिर से हमें वेट कराना है तो कंट्रोल पे जाकर हम ले लेते हैं वेट का ऑप्शन और यहाँ पे इसको हम जीरो पॉइंट टू सेकेंड का वेट करा देते हैं ठीक है गाइस अब हम इसको रन करके देखते हैं बन गया हमारा पिकुश अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत देर तक डांस करता रहे तो ये आप ये रिपीट का जो ऑप्शन है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर 16 लिया है आप यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं जितना भी आपको टाइम बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू